हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स टॉपिक्स में हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात किया, उसके बाद वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में बात किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बोला दो तरह का इनहेरिटेंस होता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो कि आज हम स्टार्ट करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारा मेंडेलियन या न्यूक्लियस इनहेरिटेंस होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा अभी वेरिएशन क्या होता है, कितने टाइप का वेरिएशन होता है, और उसके बाद में कुछ हिस्ट्री या कुछ जो साइंटिस्ट जिन्होंने जेनेटिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टडीज की थी उस स्टडीज के बारे में पढ़ा भी, जीन फॉर जीन किसने दिया, उसके बाद में वन जीन वन एंजाइम्स, फिर ओपेरॉन मॉडल्स, उनके बारे में डिस्कस किया। तो कल का कोई डाउट है तो पहले कल का डाउट ले लो, अगर डाउट नहीं है तो आज अपना जो टॉपिक्स है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस टॉपिक्स है। अब इस टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम उनकी सब हेडिंग लगा देंगे, फिर वन बाई वन करके उनको हम डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि हमारा हर टॉपिक्स में यही रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने, वो हमारा प्री डिसाइड होगा। उसके बाद हम एग्जाम को कवर करेंगे, इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे भी, किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस इंफॉर्मेशन का कहाँ पे क्या यूज होगा, उस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले मेरा ऑनलाइन वाले बच्चे वॉइस और स्क्रीन क्लियर करवा दो। तो अपना टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में, ठीक है। मेंडल्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स के बाद हम पढ़ेंगे भी यहाँ से कौन कौन से एमसीक्यू आएंगे हमारे, किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, जैसे नीट के एग्जाम की अगर बात करें तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से अगर आते हैं तो, या लेवल क्या रहता है। देखो नीट में या कोई भी एग्जाम है उसमें हम सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ी पता चलेगा कैसा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन बेसिस क्वेश्चंस आता है। सीयूईटी के एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आएगा और सीईटी के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल। अब इस एक्सटेंशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल में डिफरेंट स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लियोट्रोपी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है जी। तीसरा हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मल्टी एलिज्म। अब लास्ट ईयर जो सीटी का सॉरी सीयूटी का एग्जाम हुआ था उसमें मल्टी एलिज्म का क्वेश्चन आया था, तो मल्टी एलिज्म, मल्टी एलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे जीन इंट्रेक्शंस, और जीन इंट्रेक्शंस में हम दो चीज पढ़ जाएंगे। जीन इंट्रेक्शंस में पहला हम पढ़ेंगे लिंकेज और दूसरा हम पढ़ेंगे एपिस्टेटिस, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस दिया था वो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस था, तो हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया इस बार, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये हमारा इस टॉपिक्स के अंदर रहेगा, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी मैं अगर यहाँ सब हेडिंग लगाऊं तो जो इनहेरिटेंस है दो टाइप का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ सब हेडिंग लगाऊं तो पहला जो इनहेरिटेंस है वो है
न्यूक्लियस इनहेरिटेंस, और न्यूक्लियस इनहेरिटेंस की अगर हम दोबारा बात करें तो इसको हम बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसके अंदर सारा कुछ ये हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये हमारा टॉपिक्स है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहिए आप कोई भी एग्जाम। देखो बच्चे, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल वेरी करता है, इंफॉर्मेशन वेरी नहीं करती है। अब चाहिए आप सीईटी के लिए पढ़ो, चाहिए नीट के लिए पढ़ो, चाहिए आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। या ये कुछ चीजें आपको क्या टिप्स पे रखनी पड़ेगी। दूसरा, एमसीक्यू में आप परफेक्ट कब होगे, जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चा जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा थ्योरी के साथ साथ, वो उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। और हमारा क्या है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पैरेलल चलेंगे, हम उस कंसेप्ट में नहीं रहेंगे भी बेसिक अलग है और एमसीक्यू अलग है। उसी बेसिक से तो एमसीक्यू बनना है ना, जब उसी बेसिक से एमसीक्यू बनना है तो हम अलग क्यों जाएंगे, हम दोनों पैरेलल लेके चलेंगे, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक्स है। अब यहाँ पहले बोल रहे हैं मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो मेंडल में कुछ जो है, पहले मेंडल ने क्या कुछ स्टडी किया, ठीक है, और मेंडल का जो स्टडी है वो किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, उसके बाद में कब पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद में क्या उस स्टडी को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर, अब ये हो गया भी हमने पढ़ना क्या है, अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा रहे हैं मेंडेलिज्म्स, ठीक है, मेंडेलिज्म्स, या सीधा हम लिख देते हैं जीजे मेंडल्स। अब ये जो जीजे मेंडल्स है, यानी जॉर्ज जोहन मेंडल, इन्होंने जो वर्क किया था कब स्टार्ट किया, तो वर्किंग ऑन पी पाइसम स्टाइवम, तो पाइसम स्टाइवम पे वर्क किया, ठीक है। और पी भी कौन सा लिया था इन्होंने, गार्डन पी लिया था, तो हम ऐसे ऐड कर देते हैं गार्डन पी, ठीक है। तो गार्डन पी पे इन्होंने स्टडी की, जिसका क्रोमोजोम नंबर 14 था। ये भी कई बार पूछ लेते हैं बीपी का क्रोमोजोम नंबर कितना था। तो पहला मेंडल वर्किंग ऑन, ठीक है, हम ऐसे पॉइंट में चलेंगे, तो मेंडल वर्किंग ऑन पी। अब पी पे मेंडल ने वर्क किया और टोटल 7 ईयर स्टडी किया, ठीक है। और कौन से ईयर में स्टार्ट किया, 1856 में स्टार्ट किया, 1864 तक किया, तो 7 ईयर टोटल स्टडी किया। और 1865 में मेंडल जो वर्क था ठीक है, तो मेंडल ने अपना वर्क क्या किया, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया, सॉरी प्रेजेंट किया। जैसे ही मेंडल ने उस कॉन्फ्रेंस में अपना वर्क प्रेजेंट किया, तो 1866 मेंडल वर्क पब्लिश्ड इन नेचुरल प्रोसीडिंग, तो एक नेचुरल प्रोसीडिंग करके एक मैनुअल था या एक रिपोर्ट थी, उसमें पब्लिश हुआ इन जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, ठीक है। अब यहां जैसे मेंडल वर्क पब्लिश हुआ तो मेंडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मेंडल को रिजेक्ट किया तो 1884 मेंडल
क्या हो गया, फास्ट अवे हो गया, तो मेंडल की क्या होगी, डेथ होगी, तो डेथ ऑफ मेंडल। क्लियर। डेथ होने के 16 ईयर्स के बाद 1900 में मेंडल वर्क रीडिस्कवर। तो मेंडल वर्क रीडिस्कवर का मतलब यार क्या हुआ, थ्री साइंटिस्ट थे, ऑल थ्री साइंटिस्ट बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री। एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री से था जहां से मेंडल बिलोंग करता। अगर आपसे पूछे ना भी मेंडल का कौन सी कंट्री का से साइंटिस्ट था, तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ब्रुन से सिटी थी, तो ब्रुन सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मेंडल बिलोंग करता था। तो एक साइंटिस्ट तो ऑस्ट्रेलिया से था, एक जर्मनी से था और एक इंग्लैंड से था। तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग यानी इंडिविजुअल वर्क किया, और इंडिविजुअल वर्क करने के बाद में तीनों साइंटिस्ट का वही रिजल्ट आया जो मेंडल का आया था। यानी जो 1865 में जो मेंडल ने जो डिस्कवर किया, या जो मेंडल ने जो प्रिंसिपल या जो स्टडी एक्सप्लेन किया, सेम रिजल्ट या सेम स्टडी उन साइंटिस्ट की आई 19th के अंदर, यानी सेम रिजल्ट आया। जब सेम रिजल्ट आया तो यहां मेंडल को क्या मान लिया गया, फादर मान लिया गया। ठीक है। अब वो थ्री साइंटिस्ट कौन थे, तो आप हमने लिखा है मेंडल वर्क रीडिस्कवर बाई, तो पहला साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस। ठीक है जी। सेकेंड साइंटिस्ट था फुगो डी बेरीज, और थर्ड साइंटिस्ट था से मार्क। ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल वर्क को रीच, तो यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड बाई, तो किसने रीडिस्कवर किया, तो थ्री साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस। अब कार्ल कोरेंस के बारे में अगर और बात करें हम, तो आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की, तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो कार्ल कोरेंस ने दिया। ठीक है। किसने दिया, कार्ल कोरेंस ने दिया। तो उसी तरह हम अगर ह्यूगो डी बेरीज की अगर बात करें, तो ह्यूगो डी बेरीज ने म्यूटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो म्यूटेशंस जो है ह्यूगो डी बेरीज ने दिया। क्लियर। तो ये थ्री साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल वर्क रीडिस्कवर। तो पहले तो हिस्टोरिकल पार्ट आ गया, मेंडल वर्किंग ऑन गार्डन की कब स्टार्ट किया, तो 1856 में वर्क स्टार्ट किया, 1864 तक कंप्लीट किया, 7 ईयर टोटल स्टडी की। आफ्टर 7 ईयर 1865 में मेंडल्स ने क्या किया, अपने जो रिसर्च अपने जो वर्क था उसको क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस में क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो मेंडल प्रेजेंट हिज वर्क इन ए कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था नेचुरल प्रोसीडिंग। ठीक है। 1864 में मेंडल वर्क क्या हुआ, पब्लिश हुआ, और पब्लिश होने के बाद ऑल यूरोपियन कंट्री की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, ऑल यूनिवर्सिटी में क्या उसका मैनुअल या उसकी एक बुक्स टाइप जो था वो भेज दिया गया ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटियों। जब ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटियों में जब इसको भेजा गया, तो यहां तो मेंडल को रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट होने के बाद 84 में मेंडल की क्या होगी, डेथ होगी। डेथ के आफ्टर 16 ईयर्स मरने के 16 साल के बाद मेंडल वर्क रीडिस्कवर हुए। किसने रीडिस्कवर किया, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी बेरीज और से मार्क। जब इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, जब स्टडी की, तो इन तीनों साइंटिस्ट का 90s के अंदर रिजल्ट जो आया वो मेंडल ने 1865 में प्रेजेंट कर दिया था। मींस यानी मेंडल रिसर्च वर्क या मेंडल का जो रिजल्ट था और इन तीनों साइंटिस्ट का जो स्टडी का जो रिजल्ट था वो सेम था। तो यहाँ के फिर मेंडल को क्या मान लिया गया, फादर मान लिया गया। अब ये नहीं पता भी फादर किसका था। फिर 19 जो कि कल आपने पढ़ दिया 1995 में वेटसन करके साइंटिस्ट था, वेटसन ने क्या किया, वेटसन गिवन द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, द टर्म ऑफ जेनेटिक्स दे दिया। तो मेंडल्स क्या बन गए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर यहां तक। ठीक है जी। तो ये तो हिस्टोरिकल पार्ट था। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स कर रहे हैं, तो मैं दोबारा हेडिंग लगा रहा हूं भी मेंडल, अब मैं हिस्टोरिकल पार्ट नहीं था, तो मेंडल्स। ठीक है। अब इसके पॉइंट लिखते जाएंगे हम। तो पहला,
अब बार बार पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, अब यहीं से एड कर देना, मेंडल वर्किंग ऑन, तो वर्किंग ऑन गार्डन पी, ठीक है, और ब्रैकेट में हम इसका नाम लिख देंगे पाइसम स्टाइवम, ठीक है, और 2n कितना इसका बचे 14, क्लियर। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वर्क, तो कितने साल तक काम किया, 7 years तक, कब से लेके कब तक, 1856 से लेके 1864, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल वर्क प्रेजेंटेड इन 1865। 1865 में मेंडल ने दो रिसर्च पेपर पब्लिश किए, फर्स्ट पेपर ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर था इन 8 फरवरी 1865, और जो सेकंड पेपर था ठीक है वो कब पब्लिश किया, सॉरी प्रेजेंट किया 8 मार्च 1865, ठीक है जी। उसके बाद मेंडल वर्क पब्लिश्ड इन 1866 इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुए। उसके बाद नेक्स्ट, अब मेंडल ने जब स्टडी किया तो कुछ करेक्टर्स लिए, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स सिलेक्टेड बाई मेंडल्स, तो जो मेंडल्स ने जो टोटल करेक्टर्स लिए बचे वो कितने करेक्टर्स लिए, 7 करेक्टर्स लिए। अब ये जो 7 करेक्टर, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, भी कौन सा करेक्टर लिया मेंडल ने। सबसे पहले तो जो मेंडल ने जो 7 करेक्टर्स लिए थे वो 7 करेक्टर 2 ग्रुप में डिवाइड किए, डोमिनेंट और रिसेसिव। ये टर्मिनोलॉजी हम लास्ट में डिस्कस कर, लास्ट मतलब जब मेंडल प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हम टर्मिनोलॉजी पहले डिस्कस करेंगे फिर मेंडल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, हम जब प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट कर, एक बार अबाउट द मेंडल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7 करेक्टर्स लिए। अब ये जो 7 करेक्टर्स थे, ठीक है, जो टोटल 7 करेक्टर थे डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में डिवाइड किए, ठीक है जी। अब वो 2 ग्रुप कौन कौन से थे, तो हम टेबल्स बना देंगे, पहला कॉलम हम लेंगे टेबल में करेक्टर, इस टेबल से क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है जी। दूसरा कॉलम हम लेंगे डोमिनेंट करेक्टर्स कौन सा है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है जी। तो हम क्या कर देंगे, टेबल्स बना देंगे, और ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर सीईटी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया, उसके बाद में पीयू के एग्जाम में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम जो पीयू के होते हैं वहां पे भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे मेंडल ने करेक्टर लिया प्लांट हाइट, अब ये प्लांट हाइट की जगह कई बार वर्डिंग आ जाती है स्टेम हाइट, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे स्टेम हाइट, ठीक है जी। अब मैं एक बार पहले करेक्टर्स लिखूंगा उसके बाद पूछूंगा भी कौन सा क्या है या क्वेश्चन किस टाइप का। फिर लिया फ्लावर पोजीशन, फिर थर्ड करेक्टर लिया फ्लावर कलर, फोर्थ करेक्टर लिया मेंडल ने पोड शेप, ठीक है जी। तो फोर्थ करेक्टर क्या था मेंडल का,
पॉड शेप, तो पॉड शेप। उसके बाद नेक्स्ट लिया मेंडल ने पॉड कलर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट था सीड, सीड शेप और सीड कलर, ये 7 करेक्टर दिए। अब यहां से क्वेश्चन आएगा भाई डोमिनेंट करेक्टर कौन सा। जैसे क्वेश्चन आया, मैं एक बार जो क्वेश्चन आए वो ले लेता हूं। पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी एग्जिल फ्लावर पोजीशन, मैं एक बार इधर लिख देता हूं, एग्जिल फ्लावर पोजीशन और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ठीक है। भी एग्जिल फ्लावर पोजीशंस और टर्मिनल फ्लावर पोजीशंस में से डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आया भी पॉड शेप में डोमिनेंट पॉड शेप कौन सा है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे यहाँ प्लांट हाइट में टॉल जो था डोमिनेंट था, ठीक है जी। भी जो टॉल करेक्टर था वो क्या था बच्चे, डोमिनेंट था। और जो रिसेसिव था वो कौन सा था, ड्वार्फ। ड्वार्फ प्लांट हाइट इज द रिसेसिव, ठीक है। फ्लावर पोजीशन में जो एग्जिल फ्लावर पोजीशंस है, ठीक है, वो था डोमिनेंट और टर्मिनल क्या था, रिसेसिव, क्लियर। उसी तरह अगर अपने फ्लावर कलर की बात करेंगे तो फ्लावर कलर में वॉयलेट डोमिनेंट, वॉयलेट और वाइट, ठीक है। उसी तरह पॉड शेप की अगर आप बात करोगे तो इनफ्लेटेड डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड ठीक है, तो इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद पॉड कलर, तो पॉड कलर के अंदर ग्रीन डोमिनेट, ग्रीन, उसके बाद येलो, फिर उसके बाद में शीड शेप, तो राउंड डोमिनेट और रिंकल्ड। उसके बाद में सीड कलर, तो सीड कलर में येलो और ग्रीन, ये 7 कैरेक्टर्स लिए। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांसेज है, अगर आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूटी का एग्जाम दोगे या सीईटी का एग्जाम दोगे। अब इनको याद रखना है, क्वेश्चंस में दोबारा रिपीट कर देता हूं कैसा आता है। विच टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इज डोमिनेंट और विच टाइप्स ऑफ करेक्टर इज रिसेसिव। अब आप विच टाइप्स ऑफ करेक्टर में करेक्टर देके पूछेगा, जैसे मैं पूछ लेता हूं भी इनफ्लेटेड पॉड कलर इज द करेक्टर्स ऑफ, भी किस टाइप का करेक्टर्स है, तो इनफ्लेटेड किस टाइप का है, कॉन्स्ट्रिक्टेड किस टाइप का। जैसे मैंने बोला ये एक्जिल फ्लावर पोजीशन वाला क्वेश्चन आ गया, फ्लावर कलर वाला क्वेश्चन आ गया, और इस बार एक एग्जाम में और क्वेश्चन आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स है। इनमें से ये पूछ लेते हैं भी विच टाइप्स ऑफ करेक्टर आर नॉट स्टडीड बाय मेंडल, मेंडल ने कौन सा करेक्टर स्टडी नहीं किया। अब ध्यान से सुन लो यहाँ पे, अब धीरे धीरे मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रूप कहते हैं ना कैसे क्लियर करना होता है, उसके रूल रेगुलेशन या किन चीजों का ध्यान रखना। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें क्या रहना पड़ता है, मेंटली अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन का रिप्लाई जो है 3 वे से होगा। पहला वे है रिप्लाई करने का, भी क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अंडरस्टूड हो गया, आपने रिप्लाई कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिप्लाई, क्वेश्चन पुट किया रिप्लाई, ठीक है। जैसे क्विज टाइप होता है ना, क्वेश्चन पूछा बिना ऑप्शन दिए सीधा बता दिया इसका आंसर तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद में ऑप्शंस देखे। अब ऑप्शंस देखे तो हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है या जो एमसीक्यू एग्जाम्स है उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 में से 2 ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे, 2 ऑप्शंस पैरेलल स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो 2 ऑप्शन जो पैरेलल है ना, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करो, रिजेक्ट करने स्टार्ट करो। तो पहला क्या करो, डायरेक्ट रिप्लाई किया, सेकंड क्या, रिजेक्शन द ऑप्शंस, ऑप्शन को रिजेक्ट करो।
रिजेक्ट करने के बाद में जो भी बच जाएगा वो हमारा करेक्टर क्वेश्चन है या वो हमारा आंसर है। अब जैसे यहाँ से पूछा जाए विच टाइप्स ऑफ करेक्टर आर नॉट स्टडीड बाई मेंडल। अब नॉट स्टडीड बाई तो आपने को सेवन करेक्टर तो याद है ना, मेंडल ने कौन से स्टडी किए। अब इनके अलावा जो भी आ रहा है वो नहीं किया स्टडी, उस हिसाब से रिप्लाई कर देना। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद में मेंडल ने जो सेवन करेक्टर्स लिए, अब ये जो सेवन करेक्टर्स लिए तो ऑल सेवन करेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मोनोजेनिक, यानी मोनोजेनिक कंट्रोल था इनमें। तो मोनोजेनिक का मतलब क्या हुआ, बी वन करेक्टर वन जीन। जब एक करेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं मोनोजेनिक, या मैं ओब्लिक करके लिख देता हूं सिंगल जीन। तो जो करेक्टर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन होते हैं या जो करेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन होते हैं उसको बोलते हैं मोनोजेनिक करेक्टर। तो जो मेंडल ने जो सेवन करेक्टर्स लिए थे ना, वो सेवन करेक्टर क्या थे, मोनोजेनिक थे, मतलब कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन थे। और उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखनी, हमने क्या पीछे पढ़ा, जो पी है उसका जो क्रोमोजोम नंबर है 14 है, कितना है 14 14। लेकिन मेंडल ने जो स्टडी किए सेवन करेक्टर, वो ऑल 14 क्रोमोजोम पे नहीं थे, ओनली 4 क्रोमोजोम पे थे। तो सेवन करेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल, मेंडल ने जो सेवन करेक्टर सिलेक्ट किए वो किस पे प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट ऑन ओनली 4 क्रोमोजोम, सिर्फ 4 क्रोमोजोम के ऊपर वो सेवन करेक्टर प्रेजेंट थे, 14 के 14 क्रोमोजोम पे नहीं थे, ओनली 4 क्रोमोजोम पे ही थे। ठीक है जी, क्लियर? तो सिर्फ 4 पे थे। तो ये था अबाउट द मेंडल। बी मेंडल में दोबारा रिपीट कर देता हूं, बी मेंडल ने क्या किया, मटर पी पे काम किया, गार्डन पी पे, वर्किंग का जो ड्यूरेशन था 7 ईयर था। फर्स्ट रिसर्च पेपर मेंडल ने 8 फरवरी 1865 को प्रेजेंट किया, सेकंड 8 मार्च 1865 को किया। मेंडल वर्क पब्लिश हुए 1866 में, जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुए। यहाँ पे मेंडल को रिजेक्ट कर दिया जो कि हमने पीछे पढ़ लिया था, और मेंडल का क्या हो गया 1884 में डेथ हो गया। डेथ होने के 16 ईयर के बाद यानी 19 में मेंडल वर्क रीडिस्कवर हुए, जो हमने यहाँ देखा भी मेंडल वर्क रीडिस्कवर हुए। किसने किया, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डीगरी और टी सेमर। एग्जाम का लैंग्वेज ये है, भी मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड बाय, किसने रीडिस्कवर किए। ठीक है जी, उसके बाद में हमने बोला भी मेंडल ने जो स्टडी की उसमें सेवन करेक्टर्स लिए। अब वो सेवन करेक्टर कौन कौन से, वो हमने टेबल्स बना दिया। ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो सेवन करेक्टर है वो कंट्रोल्ड बाय मोनोजेनिक। अब हमने बोला भी व्हाट इज द मोनोजेनिक, तो वन करेक्टर वन जीन, जब कोई करेक्टर सिंगल जीन से कंट्रोल होता है। अब करेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ, जैसे अब मान लो ये प्लांट हाइट है, टोल है, ड्वार्फ, तो ये करेक्टर है ना। उसी तरह जैसे फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजिशन है, तो करेक्टर है प्लांट का, और करेक्टर कंट्रोल्ड बाई जीन। मेंडल ने बोला करेक्टर कंट्रोल्ड बाई फैक्टर्स, ठीक है, जीन बाद में आया, यानी जीन टर्म बाद में आई। पहले मेंडल ने क्या बोला, करेक्टर कंट्रोल्ड बाई फैक्टर, ये मेंडल ने बोला, और ये फैक्टर बाद में क्या बन गया, ये फैक्टर फिर क्या हो गया, इसको नाम दे दिया गया जीन। तो फैक्टर को क्या नाम दे दिया बाद में, जीन। ठीक है, तो करेक्टर कंट्रोल्ड बाई फैक्टर या करेक्टर कंट्रोल्ड बाई जीन। अगर कोई करेक्टर एक जीन से कंट्रोल हो रहा है तो मोनोजेनिक, यानी मेंडल ने जो स्टडी किया वो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी किया। अब आगे हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस या टाइप्स ऑफ करेक्टर्स जब पढ़ेंगे तो वहां हम कंपेरिजन करेंगे, मोनोजेनिक क्या होता है, पॉलीजेनिक क्या होता है। उसी तरह मोनोजेनिक इनहेरिटेंस मेंडल प्रिंसिपल फॉलो करेगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मेंडल प्रिंसिपल फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि पॉलीजेनिक में वन करेक्टर कंट्रोल बाई सेवरल जीन्स है। ठीक है, वो आगे जैसे फर्दर ये टॉपिक जाएगा अपने आप स्मूथ होता जाएगा। क्लियर यहां तक?
अब मेंडल ने 7 करेक्टर स्टडी किए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज की, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स पे जाएंगे। अब मेंडल ने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की, सबसे पहले मेंडल ने टर्मिनोलॉजी यूज की फैक्टर्स, मैं पहले टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, फिर मेंडल ने यूज किया रिसेसिव, फिर वर्ड यूज हुआ डोमिनेंट, फिर यूज हुआ होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिर यूज हुआ एलील, फिर यूज हुआ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है जी। उसके बाद में रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है जी। फिर वर्ड यूज हुआ प्योर लाइन, उसके बाद नेक्स्ट हुआ, आप ऐसे करके एक बनाते हो जिसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं चेकर बोर्ड, या इसको पुनेट करके साइंटिस्ट था उसने दिया था, तो उसके नाम पे भी बोल देते इसको, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो मेंडल ने यूज की। अब इन टर्मिनोलॉजी में क्या मतलब है, इनका पहले मीनिंग समझेंगे हम, फिर उसके बाद में मेंडल्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला था, चेकर बोर्ड बोल देते हैं, या इसको बोलते हैं पुनेट स्केल, क्योंकि पुनेट करके साइंटिस्ट था उसने दिया, ठीक है। अब फैक्टर क्या था, फैक्टर था जीन, तो फैक्टर को हम ऐसे लिखते, अब ये जीन वर्ड आते हैं, आप समझाओ जीन्स मीन्स, आपने बोला भी ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, या इनहेरिटेंस करेक्टर को कंट्रोल करता है, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज द इनहेरिटेंस और इट इज कंट्रोल्ड बाय। तो इनहेरिटेंस जो होता है वो करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जो जीन है बच्चे, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फैक्टर या जीन, तो कहता फैक्टर, इट इज कंट्रोल द करेक्टर, तो करेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द करेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा हम इसको लिखेंगे, इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, क्लियर। अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर देते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी है जीन, या ओबली करके हम लिखते थे फैक्टर, ठीक है। तो ये है इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है जी। उसके बाद में एलील, ठीक है जी। तो एलील क्या होता है बच्चे, अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन, तो अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। वन जीन, तो मेंडल ने बोला भी एक जीन के कितने एलील्स होंगे, टू एलील्स होंगे। जैसे मेंडल ने लिया टोल प्लांट हाइट कंट्रोल्ड बाई टी जीन, अब इस जीन से अगर टोल प्लांट हाइट कंट्रोल हो रहा है तो इसके कितने एलील्स होंगे, तो इसके एलील्स होंगे दो, ये। उसी तरह मेंडल ने बोला ड्वार्फ प्लांट हाइट कंट्रोल्ड बाय स्मॉल टी, अब इसके भी कितने एलील होंगे, दो, ठीक है जी, कितने होंगे दो, तो टोल ड्वार्फ, क्लियर। तो मेंडल ने बोला वन जीन टू एलील्स। उसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है होमो जाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है।
होमो का मतलब सेम। अब होमोजाइगस का क्या बताओ? सेम टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट ऑन कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोजोम। तो जो कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोजोम है, जैसे सपोज करो एक क्रोमोजोम ये, एक दूसरा क्रोमोजोम ये, अब इस क्रोमोजोम पे भी कैपिटल टी है, इस पे भी, तो दोनों पे सेम है, तो सेम है तो सेम के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा? होमो। होमो मीन्स सेम, ठीक है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझ के, मीनिंग को समझ के करो देखोगे ना, या मीनिंग को समझ के अपने कोई भी टॉपिक करेंगे तो बड़ा इजीली समझ आएगा। अब दूसरा क्या? हेट्रो। अब हेट्रो का बना दो बच्चे अपने आप डेफिनेशन बना दो। अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोजाइगस, ठीक। अब जैसे मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या है? सेम है, तो ये होमोजाइगस, लेकिन होमोजाइगस में कौन सा? डोमिनेंट, क्योंकि टॉल प्लांट हाइट किस टाइप का करेक्टर है? डोमिनेंट। उसी तरह ये क्या है? होमोजाइगस, लेकिन होमोजाइगस में भी कौन सा? ये रिसेसिव, ठीक है। अगर हम लिखते ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये देखो अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस में भी कौन सा? डोमिनेंट, ठीक है। तो कहता हेट्रोजाइगस मींस, तो अपने आप बना दोगे ना, तो क्या लिखना है? सिर्फ यहाँ क्या वर्ड यूज, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? हेट्रो, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट ऑन कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोजोम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रो। तो पहले क्लियर हो गया जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, फिर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म था हमारा डोमिनेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट था रिसेसिव। तो डोमिनेंट का देखो, मतलब अपने आप का एग्जांपल लो, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है ना क्लास में, जैसे मैं क्लास में किसी से क्वेश्चन पूछ लो भाई इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई है, तो अगर कोई पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को वो है रिसेसिव। जैसे मैं मेंडल का एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, मेंडल ने क्या किया बच्चे? टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ, यानी टॉल प्लांट का ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया, तो एफ वन में मेंडल को मिला टॉल प्लांट, ठीक है। एफ वन में क्या मिले? टॉल प्लांट्स मिले, क्लियर। एफ वन में क्या मिले? टॉल प्लांट्स, क्लियर यहां तक। जब एफ वन में टॉल प्लांट्स मिले तो यहां पर देखो कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है, अब एक बार यहां दोबारा लिख देता हूं, ये टॉल प्लांट हाइट को कंट्रोल करता है, ये ड्वार्फ को कंट्रोल करता है, और ये कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस डोमिनेट। तो जो हेट्रोजाइगोस कंडीशन में जो एक्सप्रेस हो रहा है, चलो डोमिनेट को हम हटा देते हैं, जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में कौन एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल टी या स्मॉल टी या ड्वार्फ या टोल, तो टोल एक्सप्रेस हो रहा है ना, ड्वार्फ क्या हो रहा है? मास्क हो रहा है या हाइड हो रहा है। अब ड्वार्फ मास्क या हाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको हम बोलते हैं रिसेसिव, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? डोमिनेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे रिसेसिव कौन सा है और डोमिनेंट कौन सा है? अब यहाँ अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? अब ये देखो दो अलग अलग है, अब दो अलग अलग है तो उसको क्या दो वर्ड यूज कर सकते हैं हम? या तो वर्ड यूज कर सकते हैं हम हेट्रो, और दूसरा मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लूंगा भी दो अलग अलग है तो उसके लिए मोस्ट कॉमनली, मैं क्लास में पहले ही बोल चुका, मैं कुछ अपने बेसिक एग्जाम्पल्स लूंगा,
बेसिक एग्जांपल का क्या मतलब, हमारे पर्सनल लाइफ से, तो कोई पर्सन उसको उस पॉइंट ऑफ यानी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे। अब जैसे यहां मैं एक बड़ा कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, और वो टर्म यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली गर्ल्स यूज करती हैं, जब कोई भी बच्ची है, अब वो बच्ची क्या अपने जब आउटफिट या कपड़े जब सूट सिलवाते हैं, तो अब देखो ब्लैक कलर का सूट है, कौन से कलर का सूट है, ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर चुन्नी है पिंक कलर की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या वो बच्चियां क्या बोलती है इसको, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर, क्या बोलती हैं, कॉन्ट्रास्ट। अब देखो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के ऊपर पिंक है, तो बिल्कुल अलग है ना, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं। तो अब यहां भी क्या है कि देखो कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग बोल सकते हैं। तो वो कहता है जो हेट्रोजाइगोटिक, अब दोबारा सुनो, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब समझ आ गया, अभी जो जो अलग चीज है वो कॉन्ट्रास्टिंग है, जैसे ब्लैक पे पिंक कलर है तो वो कॉन्ट्रास्टिंग है, जैसे ब्लैक कलर का सूट है उस पे पिंक कलर की चुन्नी, ये वर्ड तो समझते हैं ना, चुन्नी आनी समझ दे फिर तो तो ब्लैक कलर का सूट है उस पे पिंक कलर की चुन्नी है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर। अब यहाँ क्या है, कैपिटल टी एक स्मॉल, दो बिल्कुल अलग है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रास्टिंग बोलें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। तो अब यहाँ डोमिनेंट क्या मतलब, जो कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, या जो डोमिनेंट कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग है। तो कहता डोमिनेंट मीन, वो कहता एक्सप्रेस इटसेल्फ, इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस। तो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस लिखो, या लिख देते हैं ब्रैकेट में कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, ठीक है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस, तो जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आया था हमारे पास रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इस रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब हुआ, अब देखो, अब सपोज करो जैसे यहां पे ये एज ए फीमेल यूज हो रहा है, ये एज ए मेल यूज हो रहा है, ठीक है, सपोज करो भी एज ए फीमेल यूज हो रहा है, यानी जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो फीमेल है, और होमोजाइगस रिसेसिव जो है मेल है। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब, पेरेंट्स को रिवर्स कर दो, कैसे रिवर्स कर दो, अब इस क्रॉस को मैं इधर साइड में लिख देता हूं, जैसे पहले ये था, अब क्या कर दो, ये से कर दो, तो इसमें क्या हो गया, रिवर्सिंग द पेरेंट्स हो गया। जब रिवर्सिंग द पेरेंट्स होगा तो उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल्स। वो कहता है रेसिप्रोकल मीन्स रिवर्सिंग द पेरेंट्स, जब पेरेंट्स को रिवर्स कर देते तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब क्या हुआ, अभी जो पहले एज ए फीमेल यूज हो रहा था, अब वो एज ए मेल यूज होगा। अब जैसे ये है देखो, तो वहां क्या एज ए फीमेल कौन था, ये था, अब हम इसको एज ए मेल यूज करें, इसको हम क्या करें, एज ए फीमेल यूज करें, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। जैसे मैं सिंपल एक और एग्जांपल ले लेता हूं, पहले सपोज करो ए क्रॉस बी था, तो इनका क्या बना, ए बी, ठीक है, तो यहां ए बी नहीं लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा मैं यहाँ पे एफ वन। अब यहाँ पे ये एज ए फीमेल है, ये एज ए मेल है, अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, तो देखो रेसिप्रोकल बी इंटू ए, अब बी देखो क्या होगा, एज ए फीमेल और ये एज ए मेल, ये क्या हो गया, ठीक है। अगर हम यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब ये देखो इसको लिखेंगे तो एबली करके लिख देता ए बी, अब इसको ओबली करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए,
तो ये क्या आपस में रेसिप्रोकल क्रॉस है, क्लियर। तो रेसिप्रोकल क्रॉस, तो ये टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर हो गया तो बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज ड्रॉप कर दो, और आप बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो आज हमने अबाउट द मेंडल और टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स, प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स, और जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी, या तीसरा नेम है इसका लॉ ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे तो इनके अंदर हमें ये पढ़ना पड़ेगा मोनो हाइब्रिड, और यहां हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, क्लियर। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चे, ओके थैंक यू बच्चे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, अगर क्लियर हो गया तो मैसेज ड्रॉप कर दो।